41 तो हमें कॉस थीटा और कॉसेक थीटा के मान ज्ञात करने हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको टेन थीटा निकालना सिखाया है, तो पहले हम लोग यहाँ से टेन थीटा का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद जब एक मान आ जाएगा तो बाकी कोई भी मान निकाल सकते हैं, बाकी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ, तो पहले टेन थीटा निकालेंगे, दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर तो हो जाएगा आपका 9 sin θ बटा में कॉस थीटा प्लस में 40 cos θ बटा में कॉस थीटा बराबर में 41 बटा में cos θ। यहाँ कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 tan θ प्लस में 40 बराबर में 41 cos, ऊपर जाएगा तो sec बन जाएगा, sec θ। 9 tan θ प्लस में 40 बराबर 41 रूट अंडर, sec θ का फॉर्मूला लगा दो, 1 tan²θ, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या हो जाएगा, 9 tan θ प्लस में 40 का होल स्क्वायर बराबर में 41 रूट अंडर 1 tan²θ का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, हो जाएगा 9 tan θ का होल स्क्वायर प्लस 2 × 9 tan θ × 40 प्लस 40 का स्क्वायर, और इधर 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर 1681, और यहाँ से रूट हट जाएगा 1 tan²θ, यही ना होगा आपका। चलिए फिर आपका क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 tan²θ प्लस में 9 × 2 = 18, 18 × 40 से गुना करेंगे 720 tan θ प्लस में 1600 बराबर में हो जाएगा 1681 और प्लस में 1681 tan²θ। इन दोनों को एक तरफ करते हैं, 81 tan²θ प्लस में 720 tan θ प्लस में 1600 माइनस का 1681 माइनस का 1681 tan²θ बराबर में 0, तो माइनस 1681 tan²θ और यहाँ पे 81 tan²θ है, तो माइनस का 1600 tan²θ हो जाएगा और प्लस में 720 tan θ और यहाँ माइनस का 81 बराबर में 0। मैं इसमें माइनस से इंटू कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1600 tan²θ माइनस 720 tan θ, सबका साइन बदल जाएगा और प्लस में आपका 81। चलिए इसका गुणनखंड कर देता हूँ, तो यहाँ देखो ये आपका 40 tan θ का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 81 जो है आपका 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस 2 × 40 tan θ × 9। तो ये देखो ये फॉर्मूले पे सेट हो जा रहा है, अगर आप इसमें इंटू करोगे तो 18 आ जाएगा ना गुणा करने पे, तो ये हो जाएगा 40 tan θ माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर रूट में भेजेंगे 0 हो जाएगा, तो 40 tan θ माइनस 9 बराबर में 0, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 40 tan θ बराबर में 9, यानी कि tan θ बराबर में 9/40, tan थीटा का वैल्यू 9/40 आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो है आपका cos थीटा और cosec थीटा निकालना है, तो मैं इससे निकालूंगा, tan थीटा से बाकी को निकालूंगा। चलिए देखिए अब इसको, यहाँ पे देखो मैं एक समकोण त्रिभुज इसको मान लेता हूँ, यह आप एंगल ले लो, यह एंगल थीटा ले लो, तो आपको पता है पी बटा में बी, तो यह हो गया पी, यानी कि 9k कॉन्सेंट लगाएंगे ना जी, और बी जो हो जाएगा आपका 40k हो जाएगा। एच निकालना होगा, तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आ जाएगा 9k का स्क्वायर प्लस में 40k का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 81k² यहाँ पे 1600k² जोड़ देंगे, आ जाएगा 1681k², स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो यहाँ पे ये कितना का रूट होता है, 41 का, 41k आ जाएगा, h आपका 41k। हमें क्या निकालना है, तो हमें cos थीटा निकालना है और cosec थीटा निकालना है, तो cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण,
यानी हो जाएगा 40 के बटा में 41 के, 40 बटा में 41। अच्छा कॉस एक निकालना है, कॉस एक थीटा बराबर तो एच बटा में, एच बटा में पी, यानी कि हो जाएगा 41 के बटा में 9 के, 41 बटा 9, यही ना आपको निकालना था। तो अगर मैं यहाँ टेन थीटा निकाल लिया तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे आसानी से निकल जाएंगे। अच्छा एक और चीज आपने यहाँ देखा, मैं जो भी क्वेश्चन बनाया अभी तीनों, इसके पहले जो भी क्वेश्चन बनाया, इसके पहले वाले क्वेश्चन, ये भी, और इस, मतलब अगर हम टेन थीटा निकाले, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप देखो टेन थीटा क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे हमेशा वही आ रहा है जो साइन और कॉस के साथ इंटू में है, उसी का आपका भागफल आ रहा है, यानी कि 9 बटा में, यहाँ देखो यहाँ पे इसके पहले अगर 10 निकाले हैं तो 9 बटा में क्या आया है 40, 9/40 ही आया है, 9/40 ही आया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी वही था, इसमें इसे भाग दे रहे हैं, यही आपका वैल्यू आ रहा है बाकी तीनों क्वेश्चन में। तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप ऐसे ही डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखो।